निर्यात लुढ़कने से जीरे में थमी तेजी। गुजरात में अब मानसूनी वर्षा लगभग सामान्य हो गई है। इतना ही नहीं, राज्यों में नवरात्रों के बाद जीरे की नई फसल की बिजाई का श्री गणेश होने के आसार हैं। अभी तक मिल रहे संकेतों से ऐसा लगता है कि नए सीजन में गुजरात में जीरे की बुआई में कुछ कमी आ सकती है। आगामी दिनों में जीरे में लंबी तेजी के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे। बहरहाल ऊंझा मंडी में इस समय 6 से 7 हजार बोरियों की आवक हो रही है। राजस्थान के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में भी हाल ही में अच्छी वर्षा होने की रिपोर्ट आई है। वर्षा सामान्य होने और भविष्य में अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद से गुजरात के किसानों ने अपनी जीरा फसल की बिक्री भी सीमित कर दी है। बहरहाल ऊंझा में पिछले कुछ दिनों से जीरे का उठाव सुस्त बना हुआ है। दूसरी ओर कंटेनरों का अभाव होने के कारण देश में जीरे के थोक व्यापार की सबसे बड़ी ऊंझा में निर्यात मांग का अभाव महसूस किया जा रहा है। इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि समुद्री भाड़ा भी बीते कुछ समय के दौरान बढ़ता हुआ फिलहाल करीब 5 गुना तक ऊंचा हो गया है। भाड़े की दर असमान होने पर और साथ में तेजी पकड़ने के कारण अन्य प्रमुख जिन्सों के साथ साथ जीरे की निर्यात का अभाव बना हुआ है। बहरहाल ऊंझा में जीरे की करीब 5 से 7 हजार बोरियों की आवक होने की जानकारी है। भारत के अलावा विश्व में तुर्की और सीरिया को जीरे के अन्य उत्पादक देशों के रूप में जाना जाता है, लेकिन अब अफगानिस्तान तथा ईरान भी चुनौती पेश करने लगे हैं। आमतौर पर तुर्की और सीरिया में संयुक्त रूप से करीब 35,000 टन जीरे का उत्पादन होता है और इनकी क्वालिटी भारतीय जीरे की तुलना में हल्की होती है। इधर अनलॉक की प्रक्रिया चालू होने के बाद भी स्थानीय थोक किराना बाजार में स्टॉकिस्टों की खरीदारी मजबूत ही बनी होने से जीरा सामान्य 100 रुपये से बढ़कर फिलहाल 14,800 से 15,000 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर पहुँच चुका है। हाल ही में इसमें 100 रुपये की मंदी आई थी। वहीं मसाला बोर्ड द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में देश में 4,253 करोड़ रुपये मूल्य के 2.99 लाख टन जीरे का निर्यात हुआ है। इससे पूर्व वित्त वर्ष की अवधि में इसकी 2,14,190 टन मात्रा का निर्यात हुआ था। इससे 3,328 करोड़ रुपये की आय हुई थी। इससे पता चलता है कि इस बार मात्रा के आधार पर जीरे के निर्यात में 40% और आय की दृष्टि से 28% की वृद्धि हुई है। आगामी दिनों में हाजिर में जीरे में लंबी तेजी के फिलहाल आसार नजर नहीं आ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।